हे पीपल, व्हाट्स अप देयर, दिस इज शुभम सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है, आई गेस, कितनी तारीख है आज? आज है 18th of November। और फिलहाल अभी मैं जिम गया था और जिम से वापस आ गया हूँ। अभी फिलहाल 9 बज रहे होंगे। तो बहुत टाइम के बाद मैं ऐसे डेली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। एंड चलो मैं आप लोग को थोड़ा बाहर का भी सीन दिखाता हूँ, क्या चल रहा है आखिर। तो फिलहाल अभी मेरे सोसाइटी में रोड वगैरह का काम चल रहा है फाइनली। एंड यहाँ पे वो जो आप देख रहे हो ना, वहाँ पे जो 4 बक्से टाइप के चीज़ें लगी हुई हैं, वो एक्चुअली सिटिंग एरिया है। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत कचरा, और मेरे बालकनी में अभी भी दिवाली की लाइट्स लगी हुई है, जबकि दिवाली को बीते हुए ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते हो गए हैं। एक्चुअली मेरे आलस की वजह से ये निकल नहीं रही फिलहाल अभी। एंड यहाँ देखो, मेरे गमले में 3 नए नए एलोवेरा के पौधे हो गए हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि कल या परसों नए गमले लाके इसे सेपरेट कर दूंगा तो अच्छा रहेगा। सो या फिलहाल का प्लान आज ये है कि फिलहाल अभी मैं जाने वाला हूँ कॉलेज, और बहुत सारी मस्ती होने वाली है वहाँ पे, क्योंकि अभी मैं क्लासेस के लिए कॉलेज नहीं जा रहा। एक्चुअली हुआ क्या है ना कि नेक्स्ट वीक मेरे जूनियर्स का फ्रेशर्स डे है, फ्रेशर्स पार्टी कह लो, तो उसी के लिए मेरे सारे क्लासमेट्स जाने वाले हैं तैयारी करने के लिए। और यूनिफॉर्म पहन के भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आज क्या आउटफिट पहनने वाला हूँ। एंड और अगर वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो आई विल शेयर विद यू। चलो अभी मिलता हूँ मैं शावर के बाद, तो बाय। ओके, सो आई हैव टेकन द शावर और राइट नाउ आई एम वेयरिंग जस्ट अ नॉर्मल वाइट प्लेन टी शर्ट विथ वाइट जीन्स, बैगी जीन्स ऑफ कोर्स। एंड या अभी मैं दिखाता हूँ कि मैं इसके ऊपर क्या लेयर करने वाला हूँ, क्योंकि एज यू नो विंटर्स आ चुके हैं और इट्स टाइम फॉर लेयरिंग। अभी उतना भी विंटर नहीं आया कि मैं बड़ी बड़ी मोटी मोटी हुडीज पहनूँ, तो मैं एक शॉर्ट शॉर्ट नहीं एक स्लिम जैकेट इसके साथ लेयर करने वाला हूँ। सो लेट मी शो यू। चलो ओके, सो मैं ये ग्रीन वाली जैकेट अभी डालने वाला हूँ। सो पता है, ये जो माइक है ना, ये मुझे बड़ा परेशान करता है, तो मैं इसे साइड में फिलहाल कहीं टांग दूँ क्या, या जस्ट अ मिनट। बच गया, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब ठीक है। या सो आज मैं ये ग्रीन वाली जैकेट, आप लोग को दिख रहा है वार्सिटी टाइप की है थोड़ी, तो आज मैं इसे पेयर करते हैं इसे। आई होप इट्स लुकिंग गुड। स्लीव्स थोड़ी ऊपर कर ली जाए, ये ऊपर हो नहीं रही, छोड़ो ऐसे ही ठीक है। या सो दिस इज द लुक, बताओ कैसा लग रहा हूं मैं। ओके, सो अभी मैंने अपने फोन को, बाय द वे ये जो फुटेज है ना, ये मैं अपने फोन से शूट कर रहा हूँ, और लाइट इतनी पता नहीं क्यों फ्लक्चुएट कर रही है। जब भी सुबह सुबह ये वर्कर्स लोग काम करते हैं ना, तो जब भी इनका जो ड्रिल मशीन या फिर कोई और बड़ी वाली मशीन चलते रहती है ना, तो लाइट फ्लक्चुएट करती है थोड़ा, तो मैनेज कर लेना। सोया अभी मैं तैयार तो हो चुका हूँ, बट शूज़ बाकी है। शूज़ मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ, बट उससे पहले ना मैं सोच रहा था कि मेरा जो ये टी शर्ट है ऊपर से थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है। सो मैं अपना जो ये ईयरफोन है, बाय द वे ये भी मैंने नया खरीदा था, मेरा पुराना वाला ईयरफोन जो था वो ख़राब हो गया है, तो ये परफेक्ट लग रहा है। एक्चुअली होना तो इसे यहाँ पे एक चेन चाहिए था, लेकिन चेन वगैरह मुझे उतना पसंद नहीं है, सो मैंने ईयरफोन ही डाल लिया। अब थोड़ा ठीक लग रहा है ये। एंड फॉर द शूज़ आई एम गोना गो विथ दिस वाइट एंड ग्रीन वंस, क्योंकि ये मेरे आउटफिट यानी वाइट एंड ग्रीन वाले आउटफिट के साथ मैच कर रही है। सो ये मैं पहनूंगा जस्ट बाहर निकलने से पहले। सो अभी से रख देते हैं और चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, लेकिन उससे पहले मैं अपने बालों में थोड़ा पॉल्यूशन प्रोटेक्शन के लिए कुछ लगा लेता हूँ, एंड सनस्क्रीन भी फॉर द फेस, क्योंकि एज यू नो बाहर कितना पॉल्यूशन है। वैसे पता है मेरे शहर में पॉल्यूशन थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे थोड़े ज़्यादा है ना, इसीलिए हल्का सा यहाँ पोल्यूशन कम रहता है। लेकिन बाहर के शहरों में जैसे दिल्ली, दिल्ली तो खैर लिटोरियस है ही पोल्यूशन के नाम पे, लेकिन फिर भी और भी दूसरे देशों में, सॉरी शहरों में, पोल्यूशन यहाँ के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे कम हैं, इसलिए पेड़ लगाओ और पोल्यूशन से बचो। सो फिलहाल अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। चलो ये शुभम, चीज दिखा है कैसा आउटफिट लग रहा है? फोन, ओह माय गॉड, कौन सा फोन? रेडमी नोट 13। ओह, 14 गेमिंग? 14 कहाँ आया है? 14 नहीं आया? नहीं शायद आया तो
ये देख सकते हैं आप लोग, शुभम का नया फोन आप लोग को दिखाया कि नहीं दिखाया है? हाँ, शूट किए हैं, अभी तक एडिट नहीं हुआ है। अच्छा, गाना है। ओके, सो राइट नाउ वी आर इन द कॉलेज और योगेश भी यहीं पर है। हाय योगेश। उस टाइम, और वहाँ देखो विशाल भी है। उस टाइम क्या था ना, मेरे बिल्डिंग के पास जब योगेश आया था तो वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स वगैरह काम कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने कुछ शूट नहीं किया ना योगेश। हाय विशाल, बहुत अच्छे, तुम बताओ? आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो ये मेरे क्लास का सीआर है विशाल, और मेरा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। हाँ भाई, बेस्ट फ्रेंड हो गए। तो क्या चल रहा है तैयारी? अभी वहाँ रिबन काटा जा रहा है। आज क्लास आया कौन कौन है? छह लड़की आई है, अभिषेक आया हुआ है, हाँ मैं बलराम। छह लड़की कौन कौन? छह में हो गई खुशबू, खुशबू और सुषमा, माया, हम तो सब खुशबू नेहा कुमारी, और नेहा कुमारी, बाकी सब अनजान है। 97 रोल नंबर नेहा कुमारी, अन्नू, साजिद, श्रद्धांजलि, अभी कोई नहीं आया। श्रद्धांजलि आ रही है, बोले शुभम पहुँच गया। बोले हाँ पहुँच गया, शुभम पहुँच गया तो हम भी आ रहे हैं, ऑन द वे हैं। अच्छा, तो सब कुछ हाँ ठीक है। हमारे उदय सर आ गए हैं। उदय सर, चलो फिलहाल अभी क्लास में चले। हाँ क्लास में चलते, देखते हैं क्या चल रहा है। ओके, सो राइट नाउ आई एम इन माय क्लास और मेरे साथ है मेरी बहुत ही खास दो दोस्त। पहली है श्वेतांजलि और अनु। तो बताओ अनु, क्या कर रही हो? अभी हम लोग अपने इंडक्शन मीट के लिए, अपने जूनियर्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, और वो भी काफी ज्यादा। दिख रहा है कितना सुंदर, प्यारा। इसको थोड़ा सा इग्नोर करें। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लोग के पास कलेक्शन अगर ज्यादा होता तो हम लोग को ये बनाने का जरूरत नहीं ना पड़ता। नहीं, हम लोग कंजूस हैं, हम लोग ज्यादा पैसा नहीं दे सकते। इसीलिए हम लोग कम कलेक्शन में जुगाड़ कर रहे हैं सब चीज के लिए। हाँ, इसीलिए हम लोग को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। और वहाँ पे बाकी सारे मेरे क्लासमेट जो है वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन काम से ज्यादा क्या हो रहा है, बात चल रहा है। हाय। One eternity later. Okay, so right now अभी हम लोग कॉलेज से बाहर निकल चुके हैं, कॉलेज से तो नहीं, क्लास से बाहर निकल चुके हैं हम लोग। एंड ऑलमोस्ट हर कोई चला गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मेरे और योगेश के अलावा कोई भी इंसान अभी है नहीं। हम ही लोग सबसे लास्ट में निकल रहे हैं अभी। सो या अभी योगेश जो है और मैं, अभी हम लोग रणधीर का वेट कर रहे हैं कि वो आ जाए, तो फिर उसके बाद फिर हम लोग, हाँ, रणधीर जो है ना वो योगेश की बाइक लेके कहीं गया हुआ है, कुछ काम था उसे, और ये रणधीर की बाइक है, इसलिए हम लोग उसका वेट कर रहे हैं कि वो योगेश का बाइक लेके वापस आए, फिर हम लोग चलेंगे अपने अपने घर। Later that night. Okay guys, so मैं अभी कॉलेज से आ गया था और राइट नाउ फिलहाल अभी शायद 9 या 10 बज रहे हैं। मैं भूल ही गया था कि मैं व्लॉग भी कर रहा हूँ, इतने दिनों बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। बट कोई बात नहीं, वैसे शाम से अभी तक उतना कुछ खास हुआ नहीं। मेरे घर के नीचे एक छोटी सी पार्टी थी, तो शायद कुछ पूजा वगैरह था, तो शायद उसी की पार्टी थी। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, तो हुआ क्या ना कि यहाँ पे ये लोग मतलब कर रहे थे अपना जो भी मंत्र वगैरह है वो सब चल रहा था, और जैसे ही पूजा वगैरह सब खत्म हुआ तो मंत्र के जो भी वर्ड्स थे वो सारे माइक में बज रहे थे, और वो जब बंद हुआ अचानक से फिर ये लोगों ना आइटम सॉन्ग बजाने लगे, तो हमें थोड़ी सी हंसी आ गई। देन उसके बाद जब पता चला तो जो म्यूजिक पे वहाँ पे बैठा हुआ था, फिर जाके उन्होंने चेंज करवाया तो प्रॉपरली बॉलीवुड वगैरह गाने बजने लगे फिर। सो फिलहाल अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अभी ग्रुप चैट। मैं और मेरे सारे कॉलेज वाले फ्रेंड्स जो हैं, सारे नहीं मतलब 4-5 जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम लोग आपस में एक ग्रुप कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, एंड इट इज़ वेरी फन। मैं फिलहाल अभी म्यूट पर हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग करना था ना इसीलिए। सो या अभी मैं अपने कॉल पे वापस जाता हूँ, और आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, दिस इज शुभम सिंह साइनिंग आउट।